सर, मेरे दूर के चाची के ताई के बुआ के बेटी के यहाँ लड़का हुआ है, उसी के खुशी में आप मुंह मीठा कर लीजिए ना। पता है तुझे पुष्पा, ये जो ना ये पिंकी जी की फेवरेट हो रखी है ये, लेकिन ना पिंकी जी की वर्दी जो है ना और पोस्ट, वो पिंकी जी को ज्यादा प्यारी है, तो पिंकी जी तो खा नहीं पाएंगे। तो ठीक है। हेलो, आजा आजा, हो गया बस। पिंकी जी नहीं, मंगी लाल तो बोल रहा था 3 kg कम हुआ है वजन, 3 kg कम हुआ है, तो ये 100 ग्राम जलेबी से पिंकी जी क्या फर्क पड़ने वाला है आपको, खा लो ना, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। हाँ क्या, पनीर के पकौड़े के साथ हरी चटनी ना गई है? अबे ये बिट्टू हलवाई की दुकान ना बात कर रहे हैं बेकार की, और ना दिमाग खराब कर दिया बेकार में, पता नहीं कहाँ से फोन कर रहे हैं लोग, पता नहीं। और मेरा दिमाग जो है वो छोले भटूरे खा के ही ठीक होगा। सुन भाषण सर जी, पंचम। अरे आप वही सुन, जाके मेरे लिए बोले क्या छोले भटूरे जा, और उसके साथ जो है वो हरी मिर्च जो है तलवा के ले आइयो, बढ़िया एकदम तेल में जा। सेठ जी हाँ, लगता है भूल रहे। भूल रहा हूँ? अरे हाँ, बढ़िया याद दिला तूने। साथ में वो भी ले आइयो ठंडी रसमलाई केसर वाली, जा लेके आ जा। अरे सेठ जी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि आपको डॉक्टर साहब ने तला हुआ और मीठा खाने के लिए मना किया है ना सर। तू बहुत नर्स हो रखा है मेरी है, बहुत नर्स हो रखा है, एक बार बता, भूल रहा है तू? तुझे तनखा डॉक्टर नहीं मैं देता हूँ, मैं बात कर रहा है बेकार की। और अगर हम आपकी बात मानने से मना कर दें तो मैं भी तुझे काम करने से मना कर दूंगा। नहीं सेठ जी, हम तो मजाक कर रहे थे, ये सही बात नहीं है सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं। जा लेके आ जा। यार इलू, अंकल जी को इतने परहेज बोल दिए, तुझे लगता है वो परहेज कर पाएंगे? मुझे तो ना ऐसा लगता है कि भगवान जी ने अंकल जी को समोसा और कचौड़ियाँ खाने के लिए भेजा है बस दुनिया में। हाँ यार, यही तो रोड़ा है, और पापा तो चांदनी चौक का ना पहलवान समझते हैं अपने आप को। उन्हें कौन समझाए यार कि अंदर से मामला मतलब टाइट टाइट फिश है, एकदम गड़बड़ है। छोड़ यार इलू, तू इतनी टेंशन मत ले, ठीक है? मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है, अंकल जी होंगे जिद्दी यार, पर तू ना उनकी बेटी का माँ ज्यादा है, मूड मत खराब कर, ठीक है? इलू वो देख केसर फलूदा खाए, हमारा फेवरेट, चला जा। केसर फलूदा? नहीं यार, पापा के फेवरेट है ये, और अगर पापा नहीं खा सकते तो मैं कैसे खा सकती हूँ? नमस्कार। नमस्कार बेटा। एक येलो कलर का लहंगा दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सा चाहिए, जयपुरी या जोधपुरी? जयपुरी दिखवा दो। जयपुरी दिखवा दो, लहंगा पहन के घूमेगा चांदनी चौक में, बात कर रहा है बेकार की। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई तुमसे। ये ले लो बेटा, ये लो। अबे ये क्या है? अरे जीजा जी, तुम हमेशा कहते थे आधा अधूरा काम करता है तू, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, यकीन ना मानोगे पूरा पक्का काम करवा के लाया हूँ, वसीयत बनवा ली मैंने। अबे मैंने कब का तुझसे वसीयत बनवा ली हो? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरे तुम्हारे बीच में क्या फॉर्मेलिटी भाई, तुम बोलोगे तो मैं काम करूंगा। एक काम करो भैया, कि अच्छा साइन मार दो उसके ऊपर, सारा मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा एक ही बार में। ये भी सही कह रहे हैं तू। सही कह रहे हैं, मैं साइन ही कर देता हूँ उस पर। हाँ साइन मार दो भाई। अरे साइन ना करे, लेकिन मैंने हर टुकड़े पे जो है आपने उंगलियों के निशान छोड़ दिए हैं, ला पटोल ले जाके, जा पटोल ले। छटंकी भैया। क्या है? अरे छटंकी भैया खाना खा लो चलो, मैंने ना दाल बाटी बनाई है, अच्छे से घी डाल के खा लेना है। इलायची के पापा हाँ, तुम्हारे लिए कौन से दाल की खिचड़ी बनाऊं, मूंग की या उड़द की? अब चाहे तू मूंग दाल की खिचड़ी बना या तो उड़द दाल की खिचड़ी बना, मैं तो छोले भटूरे ही खाऊंगा। अरे इलायची के माँ, अब खाने के बारे में क्या पूछना, अब तेरी जो मर्जी हो बना ले जा।
अरे वाह, इलायची के पापा, आज पहली बार तुमने खिचड़ी के नाम से अपना मुंह नहीं सड़ाया। हाँ हाँ, अब तो बदल लग गए। आजा आजा, खाना खा लो, दाल बाटी। अरे अरे, हनुमान जी, आप तो अपनों की तबीयत खराब होने पे उनके लिए संजीवनी बूटी ले आते हो, लेकिन अब आप ही बताइए, अपने पापा के लिए कहां से संजीवनी बूटी लेकर आऊं? अब प्लीज पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, फिर ना मैं ना 16 मंगलवार आपके लिए बूंदी बताशे, हाँ वो प्रसाद में चढ़ाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज 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 प्लीज। बजरंग बली, आज मेरा डीएल चेफ हो गया, मतलब डॉक्टर होना फेल हो गया। आज मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो उनको ठीक कर सके। काश मेरी माँ ने पहले ही आरकेएस किया होता, अरे मतलब रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया होता। डॉक्टर साहब, आपकी मम्मी? मेरी माँ, मैंने डॉक्टर होने के नाते एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब सब बजरंग बली के हाथ में। इलायची, तुम्हारे पापा भी मेरी माँ के रास्ते में। हाँ, अभी भी टाइम है, उन्हें उन्हें सही रास्ते में ले आओ इलायची, वरना जी, आपको डॉक्टर साहब ने परहेज करने के लिए बोला है ना, आप क्यों खा रहे हैं ये अनशन? सुन अनशन सेठ जी, पंचम। हाँ हाँ, वही, बहुत सारे लोगों ने तो मुझे भी परहेज करने को बोला तेरे साथ। बता, मैंने तुझे दुकान से निकाला, मैं कानों का कच्चा ना हूँ, मैं किसी दूसरे की बातों में ना आता हूँ। देखिए सेठ जी, अगर आपने ये सब खाना बंद नहीं किया तो हम अभी के अभी इलायची जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर हमें मत भूलिएगा आप। हाँ बता दे, जा बता दे बता दे, और एक कटोरा भी खरीद लियो। कटोरा, ये कहाँ से आ गया बीच में? सुन, जब मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा तब तू क्या करेगा, भीख मांगेगा ना, और भीख मांगने के लिए कटोरा चाहिए, और मेरी रसोई में से मत उठा लियो कटोरा। बात कर रहे हैं बेकार की। वो मतलब नहीं था, अब मैं पापा के लिए आती हूँ, ठीक है, चल बाय। जीजा जी, हाथ होती है यार आपसे जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती है? मतलब बेचारे मेरे पापा उबले हुए खाने पे टिके हुए, और आप यहाँ पे छोले भटूरे पेल रहे हो किसान, मुझे दिल चरण। अभी मैं आपको बेटा बेटा बेटा, देख मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, मेरे सामने ये परचम जो है देख खा रहा है, ये खा रहा छोले भटूरे, फिर भी आपकी एक बार नजर नहीं घूमी इन छोले भटूरों की तरफ। अरे जीजा जी, इतनी बेशरम है कि मुझे जीजा जी, नहीं कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपका गुना ना आपके हाथों में और आपके मुंह में उछल रहा है। पापा, हाँ बेटा, I'm so proud of you. Thank you बेटा। और जीजा जी, हाँ, very bad, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। ओ पापा, देखो भी रोना बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं भी रो दूंगी। गंदे इंसान है यार आप जीजा जी। मैं बहुत रोक रहा हूँ बेटा, लेकिन इलायची जी आप हमारे सर जी, चल रहा है, कर रहे हैं बेकार की, हमें फंसा रहे हैं, ऐसे गलत बातें बोल रहे हैं। अरे गलत ना बोल, ले आओ चुपचाप रहे। मेरी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है यार, इलायची जी नाराज होके बैठी हुई है और हमने कुछ किया भी नहीं है। तूने कुछ किया भी नहीं? ओए ओए भाई, क्या करना चाह रहा था, ऐसा क्या करना चाह रहा जो कर नहीं पाया, बता दे बता दे। अबे ओए,
फालतू बकवास मत किया कर, समझा? घुटने के नीचे दबा के इतना मारूंगा ना साले, इतना मारूंगा सारी अश्लीलता निकल जाएगी शरीर से। तू हाथ लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा, आज मैं भी दिखा देता हूँ तुझे। साले पत्नी की सुताई के जुर्म में अगर तुझे जेल ना कटवाई तो मेरा भी नाम पिंटू नहीं, हाथ लगा के दिखा। मूर्छा बोलेगा मेरे साथ पिंटू भाभी? अबे क्या कर रहा है, पजामा है, तौलिया ले, गधे। देख बाल ढक गए। अबे यहाँ से बाल दिख रहे हैं तेरे। कोई विक्टोरिया लग रहा है। खोल ले, खोल ले। हेलो सीता जी। हेलो सुनीता जी। आइए आइए, बैठो बैठो। अरे आप लोग खाना खा रहे, मैं बाद में आऊँ? नहीं नहीं सुनीता जी, अब तो आप बैठ ही गई हैं। अरे सुनीता जी, खाना ही तो खा रहे हैं, कौन सा नहा रहे हैं? आप बैठो बैठो, आप बैठी रहो। सुनीता जी, आप अकेली आई हैं क्या आज? अबे नहीं तो क्या, पूरे मोहल्ले को साथ में लेके आएंगे गांव वालों को? बू बू। मेरा मतलब गुगु, अकेली आएंगे ना, पूरा चांदनी चौक तो साथ में लेके नहीं आएंगे, है ना? अब वो सुनीता जी, इलायची जी क्या कर रही है? ईलू ना चाकू को धार लगा रही है जीजा जी। हैं जी? मेरा मतलब है एप्पल काटने के लिए। अच्छा वैसे कुछ कह रही थी इलायची जी, कुछ बोल रही थी वो? अरे हम जलेबी तेरे बात में घुमा क्यों रहे हो, जो भी पूछना सीधे सीधे पूछो। पिंटू भाभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ना खुद ही बता देती हूँ। वो क्या है ना, ईलू जीजा जी से बहुत ज्यादा नाराज है, इतनी गुस्से है कि अगर उसके सामने कोई आ गया ना तो वो किसी और के सामने जाने लायक ही नहीं रहेगा, बाय गॉड। इलायची जी, इलायची जी, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। गलती? आप जाओ यार, प्लीज जाओ, मुझे नहीं करनी यार आपसे बात, आप जाओ। इलायची जी हमें सफाई देने का एक मौका तो दे दीजिए। रियली? धन्यवाद। क्या सफाई देंगे यार आप, मैं जान चुकी हूँ कि आप कितने मैले हैं। इलायची जी जो आपने देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ओ तो पता, ये कहना चाहते हैं कि मेरे पापा मेरी तरह गोली देते हैं जी? हाँ? नहीं हमारा मतलब, अरे रहने दीजिए, आपका मतलब ये है कि वो छोले भटूरे खा रहे थे लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा उन्होंने आपके मुंह में छोले भटूरे ठूस दिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। कह भी कह सकते हैं यार, मैंने कभी ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी आपसे, और मेरे पापा ऐसे क्यों करेंगे, कभी नहीं कर सकते वो ये। हमारी बात समझने की कोशिश करिए, आपसे झूठ बोलकर हमें भी कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। अब हमारा मतलब है कि हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है, हमने सेठ जी को रोकने की कोशिश की थी, हमने उन्हें बोला कि मत खाइए लेकिन बल्कि उन्होंने हमें धमकी देना शुरू कर दिया कि वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। अब आप बताइए हम क्या करते, हम भी मजबूर थे इलायची जी। मतलब आपकी नौकरी मेरे पापा की जान से ज्यादा बढ़कर है यार जी, अपना आप मेरी नजरों में एकदम ऐसे। इलायची जी हमें प्लीज एक मौका नहीं देंगे क्या अपनी गलती सुधारने का? हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, हम आपके चेहरे पे वो खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप हमारा मतलब है कि आपकी खुशी हमारी खुशी, मतलब हम सबकी खुशी। अब इलायची जी वरना आप किसी ना किसी बात पर हमारी बैंड बजा ही देंगी। बैंड तो वैसे भी बजा दूंगी आपकी, मुझे कोई वजह की जरूरत नहीं है। वो तो सही कहा आपने इलायची जी। गुड नाइट इलायची जी। गुड नाइट जीजा जी। जी साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना बिट्टू हलवाई है ना, उसके यहाँ से ना शुगर फ्री मैंगो मिल्क शेक और गर्मा गर्म भजिया फैट फ्री आपके लिए लेके आता हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है मंगिल है, तू क्या बात कर रही है, तू क्या इधर 100 ग्राम कम करने के लिए शरीर से लड़ाई चल रही है पिंकी जी की, और तू है कि एक के बार मतलब 1-2 kg बढ़ाने की बात कर रही है। मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। ना ना सर जी, इरादे तो नेक है, वो क्या है ना, शेर को कभी घास खाते हुए नहीं देखा है ना, इसलिए
आप पर थोड़ा सा तरस आ रही है और कुछ नहीं। अच्छा मतलब मंगीलाल तूने पिंकी जी को शेर कहा? एक नंबर का गीदड़ है तू। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि शेर भले शिकार न करे लेकिन शेर तो शेर होता है ना, ये कह रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। तो सर आपके लिए शुद्ध देसी घी के पराठे लाई हूँ, खा लीजिए ना। अरे ये क्या कर रही हो तुम पुष्पा? नहीं, अरे कितनी बार कहा है मैंने ऐसे भरा पूरा जो है ना खाना, ये खाने से शरीर भी भर पूर जाता है। खाना है तो ऐसे फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, है ना मंगीलाल? वो कम से कम दिमाग को तो लगेगा, ये तो सारा तन में लग जाएगा ना। मैंने अरे पुष्पक क्या क्या कर रहे हो तुम? साहब ने मना किया था ना तो ये भारी भरकम खाना लाने की जरूरत नहीं थी। हाँ। देख रही है ना तू, साहब दिन ब दिन कम हो रही है, एक दिन ना हवा की तरह उड़ जाएंगे ये। मतलब साहब जी तीन दिन में 12 किलो कम करना मायने रखता है भाई, ये कह रिया था मैं। बात तो सही कह रिया। जी जी। अरे सुनो पुष्पा, मैंने वो भुट्टे रखे बाहर है ना, वही सेक के खाते आज है, बैटिंग चल रही है ना। अरे पराठा बिल्कुल हाथ नहीं लगाना सर। ना, ना, और इसमें घी, अरे देसी घी लगा रखी है इसमें। हट देखो तो कोई नहीं सर, नहीं मैं सेब खा लूंगा। क्या है? नहीं है ये क्या बात हुई? नहीं मैंने बोला न, अरे न, ये क्या मतलब? मैं नहीं खाऊंगा तो तुम मुंह फुला लोगी, और पिंकी जी अगर तुम्हें खा लेंगे तो पता क्या होगा, पिंकी जी और फूल जाएंगे। न, 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 नहीं मैं नहीं खा सकता। नहीं मुझे पता है तू बहुत अच्छी है, मुझे पता है तू टेस्टी है, तू घी वाली है, तू पिंकी जी को पता है तुझे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं मंगीलाल तो कह रहा था कि पिंकी जी का 10-12 केजी वजन कम हो गया है। अगर सच में कम हो गया है 10-12 केजी तो फिर तो ये खा के 1/2 केजी वजन बढ़ाने से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई वो जो होता है वो वेट वाली मशीन, वो टूट थोड़ी जाएगी। नहीं मैं हाँ हाँ खा लिया हूँ, उसमें क्या गया, इतने प्यार से लेके आई है पुष्पा, खा लूंगा उसमें क्या। देसी घी का मजा ही कुछ और है। ये लगा पराठा निशाने पे। वाह मजा आ गया, मजा आ गया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। घोड़े बेच के सो रहे थे? कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के गली के कुत्ते मुझे दिलासा देने आ गए थे। अरे ऐसा कहते हैं दोस्ती छोटे, कैसी बात कर रहा तू भी है? ये देखो, सुन के देखो। हाँ सुन लिया, इसकी खुशबू मेरी नाक पर चिरती हुई सीधी पेट में घुस रही है। सेठ जी छोटे कोई काम ऐसे नहीं करता, चीनी के रसगुल्ले ना गुड़ के रसगुल्ले हैं, दबा के खाओ पेल के खाओ, मेरी गारंटी। अच्छा बिल्कुल ना है, है? अरे बैगन काट रहा हूँ, मजाक कर रही हूँ, खूब खाओ आराम से खाओ। एक मुझे दे दे। अरे मैंने एक भी ना खाया मैंने। उंगलियां चाट तू सर, उंगलियां चाट। सेठ जी पेट खराब हो जाएगा पेट। वाह छोटे वाह,
गुड़गे बनवा के लाया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कलकत्ता मुंह में घुल गया हो। सेठ जी आप रसगुल्ले खा रहे हैं, आपको इलायची जी ने मना किया ना, गलत बात है ये। तू कौन होता है ये तय करने वाला कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है? बता, ये शरीर किसका है? आपका। ये मुंह किसका है? आपका। और मेरे मुंह में क्या जाएगा ये कौन तय करेगा? आप। तो फिर देखिए सेठ जी, ये गलत बात है, आपको इलायची जी ने मना किया ना, आप नहीं खा सकते, ये गलत बात है। गलत बात है? हाँ। अच्छा, मुझे आज पहली बार पता लग रहा है कि हमारे संविधान में रसगुल्ले खाना जो है गैर कानूनी है। अरे देखिए सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको आपको नहीं खाने देंगे। अब नहीं सेठ जी, आपके लिए मना है, समझिए। पापा क्या हो गया है? अब इतना शो और